spoke more, we spoke more. And then one day she got very angry and she went and wrote like 130 or तापसी स्टारर फिल्म थप्पड़ है रिलीज को तैयार. प्रेस कॉन्फ्रेंस में थप्पड़ पर स्टार्स ने की बात. ब्रेक वाले दिन में पढ़ता था, फिर उस दिन उससे एक घंटे बाद में पढ़ा. एवरी ब्रेक डे दिस हैपेंड. बहुत लंबे वक्त बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. अगर आप अपनी बीवी, बहन या किसी पर भी हाथ उठाते हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. और अगर आप इस तरह के लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तब भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि मेकर्स का दावा है कि आपको फिल्म पसंद आएगी. मुंबई में फिल्म थप्पड़ की स्क्रीनिंग होस्ट की गई, जहां फिल्म की पूरी टीम एक साथ मौजूद रही. स्क्रीनिंग के बाद फिल्म की पूरी टीम ने मीडिया के साथ खास बात की. लेकिन आप सबसे पहले तापसी और अनुराग कश्यप की मस्ती देखिए. ऐसा लग रहा था कि अनुराग रंगोली पर तंज कसते हुए तापसी के बालों पर बात कर रहे हैं. इस फिल्म में तुम्हारे घुंघराले बाल भी नहीं है. हां, I swear. तो मतलब what made this whole idea resonate with you? Let's go there. I've been saying this all throughout promotions, तो मैं सपने में बोल सकती हूँ. 3 out of 5 women go through it. Recently got to know 80% of women go through it. Reported, unreported मिला के, धक्के से लेके, थप्पड़ से लेके फुल ऑन मारपीट तक. तो अगर मैंने अपने घर में नहीं तो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या मेरे पड़ोसी के साथ तो हो ही रहा है. तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इससे इफेक्ट होने के लिए. एक बात तो है कि अभी तक जिसने थप्पड़ देखी है उसने फिल्म की तारीफ ही की है. अनुराग कश्यप भी फिल्म को जमकर अप्रिशिएट करते दिखे. This film could have gone into the courtroom and could have become the get. This film could have gone into an investigation, could have gone into that whole Ferrari raid. It did not go anywhere. It stayed rooted, stayed Indian. It did not become clever. It got built around one basic, very simple, rational argument that whole lot of filmmakers kind of forget. We become very clever. वहीं फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी लगे हाथ थप्पड़ की तारीफ कर डाली और अनुभव को इस फिल्म के लिए शुक्रिया करती दिखी. क्या फिल्म बनाई है बॉस. But this is actually answering the question as well. ये बात खत्म कर रहे हैं तो बॉस एक मिनट. अगर तुम 10 और कैश और थप्पड़ के बीच में चूज करना क्या चूज करोगे. क्यों मुझे 10 थप्पड़ और दे दो. और फिल्म में तापसी के हस्बैंड का रोल प्ले करने वाले पवेल गुलाटी ने भी अपने रोल पर बात की और बताया कि ये फिल्म उनके लिए कितनी स्पेशल है. एनीवेज, ऑब्वियसली आई एम सुपर प्राउड ऑफ दिस फिल्म. एक तो वो होता है ना कि स्टार्टिंग में आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती फिल्म करने के लिए. सो दिस फिल्म बिकेम लाइक कंपल्सरी टू मी दैट आई हैड टू डू इट. And I'm glad that it was compulsory because अगर choice होती तो शायद मैं कोई stupid decision लेके अगर ना करता तो that would have been really really stupid. And yeah, so I think I'm really really glad that this was my first, which I couldn't feel my brain and just got into it. Well, male-dominated society को ये फिल्म एक करारा जवाब जरूर है. लेकिन तापसी सोसाइटी में किस तरह का बदलाव चाहती हैं, सुनिए. मैंने ना मुझसे वो वाला सवाल पूछा है जो मुझे इस पिक्चर में मुझे अपनी वो दूसरे तीसरे पिक्चर से ही पूछे जा रहे हैं लोग. मैं अपना काम कर रही हूँ ना, आप अपना करना. आके पैसे देके ऐसी टिकट खरीद के ये वाली पिक्चर देखना और सबको बोलना खरीदेंगे ताकि एटलीस्ट ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देख ले लोग. ओके, वी आई एम डूइंग माई पार्ट, यू डू योर्स. दैट्स ऑल आई कैन से इन चेंजिंग द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. वेल, आपको बता दें कि थप्पड़ को मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीनों के लिए टैक्स फ्री भी कर दिया है. तापसी स्टारर फिल्म थप्पड़, बस इतनी सी बात, 28 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है. मुंबई ब्यूरो, E24.